हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के बारे में। अब डी वाई पाटिल की काफ़ी सारी ब्रांचेस की वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है। आज हम बात करने वाले हैं कोल्हापुर में जो ब्रांच लोकेटेड है, डॉक्टर डी वाई पाटिल कोल्हापुर मेडिकल जो कॉलेज है उसके बारे में बातें करेंगे। इनका फीस स्ट्रक्चर, इनका हॉस्पिटल, पेशेंट फ्लो एंड यहाँ की मतलब सारी जो भी डिटेल्स हैं आपकी कट ऑफ से लेके आपका मतलब जितना भी यहाँ का स्ट्रक्चर है सारी बातें करेंगे। एंड आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक काफ़ी फेमस कॉलेज है, काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है कोल्हापुर की। अगर हम बात करते हैं, देखो डी वाई पाटिल की जितनी सारी भी ब्रांचेस आपको पता है काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र के अंदर। एंड ये जो कोल्हापुर वाली ब्रांच है वो भी काफ़ी अच्छे लोकेशन, तो आप समझ ही गए हैं कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। एंड 1989 में स्टैब्लिश हुई थी, डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। एंड इसी के साथ साथ आप कोर्सेज यहाँ से MBBS, MD और MS कर सकते हैं। एंड जैसा कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी उस हिसाब से अब इसको मेडिकल फील्ड में काफ़ी साल हो गए, अपनी पकड़ बनाए। एंड उसी के अकॉर्डिंग इनका पेशेंट फ्लो भी है, इनके पेशेंट्स भी हैं और सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं यहाँ की एफिलिएशन के बारे में, तो देखो एफिलिएटेड तो है ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी डी वाई पाटिल से एंड अप्रूव्ड है NMC के द्वारा प्रॉपरली। तो बस हमें और चाहिए क्या है, हमें तो यही चाहिए होता है कि NMC से प्रॉपरली अप्रूव्ड हो, वही हमारा MBBS के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आगे बढ़ते हुए अगर इनके हॉस्पिटल के बारे में मैं बात करूं, तो देखो हॉस्पिटल में आपको फैसिलिटीज़ तो सारी मिलने वाली हैं। इनका हॉस्पिटल काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी मतलब इनकी वाइब भी अलग है। इवन ये जो हॉस्पिटल इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो जैसा कि मिडिल क्लास वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, प्रेफरेबल है। तो इवन मैंने वहाँ के रिव्यू सुने, जहाँ के वो जो वहाँ के लोकल जितने भी आदमी हैं, जितने भी जिनसे भी बातें हुई हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं उनके। और इसके अलावा तो बस हमें यही चाहिए होता है, वहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक सर्विसेज, 24/7 हेल्पलाइन और ICU की सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं यहाँ पे, एंड ब्लड बैंक है यहाँ पे और इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। बस हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी सर्विसेज हैं, स्टाफ काफ़ी अच्छा, पेशेंट फ्लो आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2000 रहता है, वेरिएबल है, ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन इतना तो रहता ही है। और इसके अलावा आप मतलब काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन कैसे हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहली प्रोसेस तो आपको पता है यार, देखो नीट के एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। नीट में आपका जितना स्कोर है उसके अकॉर्डिंग इनकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद काउंसलिंग में आपका एडमिशन होता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके लिए एक जो अवेलेबल है वो है आपके लिए डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन की क्या प्रोसेस है, कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, वो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं इनके MBBS के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा कि इनका पूरा 5 साल का कितना कोर्स फीस है, इनकी कट ऑफ क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातें करते हैं। तो देखो 4.6+1 ईयर का इनका पूरा प्रोग्राम है, 5.5 साल आप मान सकते हैं, 1 साल की इंटर्नशिप होती है लास्ट में। एंड टोटल सीट यहाँ पे 150 है, फीस जो है आपकी रहने वाली है 20,60,000 पर ईयर। ये जो फीस है वो 4.5 ईयर्स के लिए रहने वाली है। हॉस्टल फीस आपकी 1 लाख पर ईयर रहने वाली है, जो कि एक सही है, मतलब दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले फुल पैकेज आपका 97,30,000 का रहने वाला है। अब ये चीज़ अपने आपके बजट के अकॉर्डिंग भी आ जाती है, आपका बजट कितना है, आपके बजट में अगर ये आता है कॉलेज तो आप ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। एंड इसके बाद तो एलिजिबिलिटी नीट का स्कोर होता है, जिसकी हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी। लास्ट ईयर में राउंड 1 में जो इनकी कट ऑफ थी वो थी 300 नीट का स्कोर था, एंड जो मोपअप राउंड था वो था 306। तो 300 के आसपास अगर आपका नीट का स्कोर है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। एंड अगर आपका थोड़ा कम स्कोर है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है इस कॉलेज में, तो आप ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं गेट एडमिशन को। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। यार स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपका एडमिशन ईजिली करा सके, आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े, आपका एडमिशन हो जाए। बस इतनी छोटी सी प्रोसेस है, ज़रूर कॉल करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए एंड कर लें कॉल, क्योंकि गेट एडमिशन इसके अलावा भी काफी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, फ्री करियर काउंसलिंग, लोन की फैसिलिटी एंड आपको स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल कॉलेज के बारे में तो मैं आपको बताऊं, स्कॉलरशिप भी आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और जो स्टूडेंट सपोर्ट के नाम पे एंटी रैगिंग होती है यहाँ पे, और मतलब मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। एंड फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूँ, कैंटीन कैफेटेरियाज भी हैं यहाँ पे इंडोर, एंड काफी अच्छा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, और लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, और वाईफाई इनेबल कैंपस, तो सारी फैसिलिटीज तो आपको सारी देखने को मिलेंगी। फैकल्टी की काफी अच्छी, जो कि सबसे जरूरी होती है, तो बस एक बार वो तो आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, ओवरऑल इस कॉलेज की रेटिंग्स अच्छी हैं, तो आप जरूर एक बार जाके देख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए, और कोई भी क्वेरी के लिए गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं।